क्या आपको पता है मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्वों के अभाव में मूंग उड़द की फसल का उत्पादन 15-30% तक कम हो जाता है। मूंग की फसल के लिए ग्रो प्लस सबसे अच्छा खाद क्यों है? फास्फोरस की उपलब्धता अधिक सुलभ। प्रमुख पोषक तत्व फास्फोरस के साथ साथ गौण और सूक्ष्म पोषक तत्व कैल्शियम, सल्फर, जिंक और बोरान। मिट्टी के भौतिक गुणों और पीएच में सुधार। जड़ तंत्र में पोषक तत्वों की उपलब्धता। अन्य उर्वरकों के साथ संयोजन में आसानी से उपयोग। आसान और अधिक समय तक संग्रहण। मूंग फसल में ग्रो प्लस के लाभ: स्वस्थ और मजबूत पौधा, स्वस्थ और पूर्ण विकसित जड़ें, पूरी तरह से भरी हुई फलियां, पत्तियों का गहरा हरा रंग, गुणवत्ता युक्त उपज, फसल से ज्यादा मुनाफा। मूंग की फसल के लिए ग्रो प्लस में निहित पोषक तत्वों की भूमिका। फास्फोरस 16%। फास्फोरस जड़ों के विकास, फुटान, पुष्पन और फलन में मदद करता है। रोग प्रतिरोधकता, तने की मजबूती और शाखाएं निकलने में मदद करता है। पौधों में अतिरिक्त नत्रजन के हानिकारक प्रभाव को कम कर परिपक्वता में मदद करता है। कैल्शियम 19%। कैल्शियम पौधों में पेक्टिन के साथ कैल्शियम पेक्टेट बनाता है, जो कोशिका भित्ति का जरूरी अवयव है। यह अच्छी जड़ प्रणाली के विकास के लिए आवश्यक है। मृदा की संरचना, भौतिक और रासायनिक प्रवृत्ति में सुधार करके फसल के विकास में मदद करता है। सल्फर का महत्व: सल्फर क्लोरोफिल निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण, उपापचय और संरचना में शामिल है। फसलों में प्रतिरक्षा विकसित कर कीट व बीमारियों के लिए प्रतिरोधी बनाता है। फसल की गुणवत्ता में सुधार और फसल को समान रूप से परिपक्व बनाता है। जिंक का महत्व: जिंक क्लोरोफिल निर्माण और कोशिका झिल्ली की अखंडता, किल्ले निकलने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट के परिवर्तन और शर्करा की खपत को नियंत्रित करता है। कई एंजाइमों को सक्रिय कर पौधों की वृद्धि और विकास में मदद करता है। बोरान का महत्व: पुष्पगुच्छ बनने, उसकी लंबाई व निषेचन में मदद करता है। हार्मोन उपापचय, शर्करा के स्थानांतरण में मदद करता है। अनाज के गठन और वजन में मदद, यानी हल्के अनाज को कम करता है। ग्रो प्लस से डीएपी की तुलना। उपरोक्त तालिका में बताया गया है कि किस तरह हमारे किसान भाई डीएपी की तुलना में अगर ग्रो प्लस और यूरिया का उपयोग करते हैं तो मूंग की फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, जिंक और बोरान जैसे आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, जो कि फसल के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, जबकि डीएपी केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस ही फसल को प्राप्त होते हैं। मूंग की फसल के लिए पोषण प्रबंधन और उर्वरकों का आयोजन। चूंकि मूंग एक दलहनी फसल है, इसे कम मात्रा में नत्रजन की जरूरत होती है। यूरिया का प्रयोग बुवाई के 20 दिनों की पश्चात वर्जित है। ग्रो प्लस और पोटाश की अनुशंसित मात्रा का प्रयोग बुवाई के पहले या साथ में करने से फसल के उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार आता है। किसान भाइयों, अपने नजदीकी खाद विक्रेता से ग्रो प्लस जैसा नहीं, ग्रो प्लस खाद ही मूंग की फसल के लिए लाएं। ग्रो प्लस एक कोरोमंडल उत्पाद।